एक तरफ जहां सरकार आयुष्मान योजना के लागू होने के बाद पूरे देश में गरीबों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराए जाने के लंबे चौड़े दावे कर रही है, वहीं इस योजना से आमजन वो गरीब आदमी को कितना लाभ मिल रहा है, इसकी बानगी झज्जर में एक 3 साल के मासूम को कुत्ते द्वारा काटे जाने के मामले को देखकर समझा जा सकता है, जहां आयुष्मान योजना की सारी पोल खुल गई। मिली जानकारी के अनुसार अपनी मासूम बेटी के इलाज के लिए मजबूर पिता को अपना मोबाइल फोन 2500 रुपये में गिरवी रखकर ही बाहर प्राइवेट दुकान से रेबीज का इंजेक्शन खरीदना पड़ा। इंजेक्शन की कीमत बाहर दुकान पर 4500 रुपये थी और मजबूर पिता के जेब में केवल 2000 रुपये थे। सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन ना मिलने के चलते ही मजबूर पिता को अपना मोबाइल फोन गिरवी रखना पड़ा, जिसके बाद ही मासूम का इलाज हो पाया। मामला झज्जर के तालाब रोड पर स्थित धांधु नगर का है, जहां यूपी का रहने वाला खन्ना सिंह अपने परिवार के साथ एक अमरूद के बाग में मजदूरी का काम कर गुजर बसर कर रहा है। खन्ना सिंह के मुताबिक उसकी 3 साल की मासूम गुंजन को आवारा कुत्तों ने मुंह पर काट लिया, जिसके इलाज के लिए वो झज्जर के सरकारी अस्पताल में गए, लेकिन वहां उसे मासूम के इलाज के लिए मामूली उपचार तो जरूर मुहैया कराया गया, लेकिन कुत्ते के काटने के लिए लगाए जाने वाला रेबीज का इंजेक्शन लगाने से साफ मना कर दिया गया। उन्हें रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। रोहतक में भी उन्हें दवाइयों और इंजेक्शन को बाहर से खरीदना पड़ा। जब वो रेबीज का इंजेक्शन बाहर दुकान पर खरीदने के लिए गए तो उसकी जेब में केवल 2500 रुपये थे, जबकि इंजेक्शन की कीमत 4500 रुपये थी। उसी समय 2500 रुपये में दुकानदार के यहाँ अपना मोबाइल गिरवी रखकर इंजेक्शन खरीदना पड़ा। बाद में उसने अपने दोस्त से रुपए उधार लेकर ही अपने गिरवी रखे मोबाइल को दुकानदार से छुड़वाया। ऐसा था, जो खाना खा रही थी, खाने खावे के बाद हम पानी आ गया था, तो मैं पानी भरने गई थी और जो मेरे पीछे ही खड़ी थी, पीछे से आके कुत्ता ने इसको पकड़ लिया। अच्छा। और मैं आई भक्के तो मुझ पे भी नहीं छूटा कुत्ता, फिर मेरी कीकड़ी छूटी ना, तो जाके बाद हमारा कुत्ता आया, उसने छुटाई। हाँ, फिर मेडिकल गए, झज्जर ले गए थे, फिर उसने बोतल फोतन सी चढ़ा के पट्टी कर दी, फिर उन्होंने रेफर कर दिए मंके लिए। इंजेक्शन नहीं मिला? हाँ। नहीं, बोले कि अंगेशन नहीं है, वहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें, अंगेशन फ्री मिल लग जाएगा। अच्छा। तो इनने गाड़ी करके हमें भेज दिए, माँ भी नहीं अंगेशन मिले थे, पैसे भी नहीं थे आपके पास, अब पैसा भी थे। फिर एक संघ का लड़का था, उस पर मोबाइल था, उसका मोबाइल धर के जब आया था अंगेशन। कहाँ मोबाइल रखा? मैं दुकान वाले पे, जो स्टोर पे। 2000? 4500 का आया था इंजेक्शन अंगेशन। कुछ पैसे परे थे, कुछ का फिर कम परे था, मोबाइल रखा। अच्छा। कुत्ते ने काटी? कुत्ते ने खाई थी। अच्छा। अब कुत्ता चिपट गया इस पे, फिर हमने छुटाई तो कुत्ता भी नहीं छूटी थी, वो तो कुत्ता ने छुटाई। उसके बाद में फिर ले गए इसको हम, तो यहाँ पर ट्रांसफर कर, यहाँ ले गए मेडिकल में, यहाँ से फिर हम भर्ती भाव करे। कहाँ? रोहतक के लिए। क्यों, यहाँ इलाज नहीं हुआ? जहाँ इंजेक्शन नहीं बता रहे। कितने दिन से नहीं बता रहे थे? आज 4 दिन हो गए, जिस दिन हम ले गए बहुत घायल थी ज्यादा। अब भी नहीं है इंजेक्शन यहाँ? अब भी नहीं है, अभी तो आया हूँ मैं। पैसे नहीं थे, इंजेक्शन नहीं मिलता, अब ये मोहनी चलता। फिर कितने रुपये का इंजेक्शन था? 4500 का, और रुपये 2000 थे। अब 2500 में फिर वो मोबाइल रखा, उसके बाद हम फिर 2500 रुपये वहाँ से ला के दिए हमने, जैसे हमारी जानकारी हुई दूसरी जगह, वहाँ से ला के जब शाम को जब छुटाया। इस मामले में CMO ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है, उन्होंने इस मामले में विभाग के कमेंट मांगे हैं, जैसे ही कमेंट सामने आएंगे उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, अखबार के माध्यम से मुझे भी जैसा आप कह रहे हैं ऐसा कुछ मालूम पड़ा है, तो अखबार की कतरन जो है वो मैंने मेडिकल स्टूडेंट को भेज दी है, जाँच की रिपोर्ट जो भी आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक के कुत्ते काटने के टीके का सवाल है, कुत्ते काटने के टीके हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सनी तुशीर के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, PunjabKesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए, यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।